खरियो तो उस पाखंडी ने बीड़ा उठाया है उस नशेबाज की लत छुड़ाने का। हाँ सरकार, और अगर वो फकीर इसमें कामयाब हो गया तो आपकी तो पूरे गांव के सामने नाक कट जाएगी। हाँ सरकार, सब यही कहेंगे कि देखो कुलकर्णी सरकार जिसकी दारू की दवा न कर पाए उसे उस फकीर ने सही कर दिया। बात तो आपने ठीक कही पंता जी। माफी सरकार, मेरा वो अर्थ नहीं था। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता था कि लोग तो यही कहेंगे कि वो पाखंडी फिर से जीत गया, कुलकर्णी सरकार फिर से हार गए। मूर्ख, किस बात के पैसे देता हूं मैं तुम्हें, मेरा हाथ बटाने के या ताना मारने के? माफी चाहता हूँ सरकार, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता था कि आप समय की गंभीरता को समझिए। चुप, एकदम चुप। हमारी बिल्ली हमसे म्याओ तो संता तुझे लगता है मुझमें बुद्धि नहीं रही, विवेक नहीं रहा, परिस्थिति की गंभीरता का आकलन करने की क्षमता नहीं रही मुझमें। मूर्ख है तो मूर्ख, जब तू वहां अपना समय नष्ट कर रहा था तभी मैंने यहां उस पाखंडी को धूल चटाने की योजना बना ली थी। सरकार, आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने आपको अभी खबर दी उस फकीर के बारे में तो आपने पहले से योजना कैसे बना के रखी थी? चूहे, तुझे क्या लगता है जब तू मुझे आके बताता है तभी मुझे पता चलता है? शिरडी में जब पत्ता भी गिरता है ना तो उसके गिरने की भनक मिलती है मुझे, समझे? सरकार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। वैसे सरकार आपकी योजना क्या है? हाँ, हरिओम, ये तो पीछे ही पड़ गया पर मैं भी इसका बाप हूं। संता को अपनी उंगली पर नचाने का एकमात्र उपाय है कि इसे उसकी औकात में रखा जाए। इसे आभास करते रहना आवश्यक है कि इसकी सोच से मैं चार कोस आगे की सोचता हूं। क्यों बताओ मैं तुम्हें अपनी योजना, मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और वैसे भी किस बात के पैसे देता हूं मैं तुम्हें? चल बता, इस स्थिति में अगर मैं तुझसे सहायता मांगू तो किस प्रकार की सहायता करेगा तू, बता। सरकार, मैं जाकर उस पर दबाव बनाऊंगा कि वो आपसे लिया हुआ ऋण आपको वापस जल्द से जल्द लौटाए। मुझे पता था तू इससे आगे सोच ही नहीं सकता संता। ठीक है, तो आप ही बता दीजिए सरकार। कोई भी आदमी अधिक शराब तब पीता है, नशे की शरण तब लेता है जब कोई बड़ी चिंता उसे खाए जा रही हो। इसका अर्थ काशीनाथ की चिंता हमें बढ़ानी होगी। जाकर उसे बताओ कि अगर उसने मेरा ऋण नहीं चुकाया तो उसके घर पर मैं अधिकार कर लूंगा, उसका घर छीनने की धमकी दो, उसे हाथ पांव तोड़ने की धमकी दो। ऐसे में तो वो मेरे पैसे नहीं चुका पाएगा और ना ही वो पाखंडी उसकी कोई आर्थिक सहायता कर पाएगा।
अपने डर से, अपनी चिंता से भागने के लिए काशीनाथ को फिर से शराब की शरण में जाना होगा। हरिओम। पर सरकार, मैंने भी तो यही कहा था। क्या कहा था तुमने? तेरी सोच इतनी सी है, इतनी इतनी सी। मैं बहुत आगे की सोचता हूँ, आगे की। तूने तो केवल खेल शुरू करने वाली चाल सोची है, मैंने तो खेल जीतने की अंतिम चाल तक तय कर ली है। यही फर्क होता है अज्ञानी और ज्ञानी में, क्या समझे? इसलिए कहते हैं गुरु गुरु होता है और चेला चेला। अब जाकर ये सुनिश्चित करो कि काशीनाथ को शराब की कोई कमी ना हो। उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। अब देखता हूं वो पाखंडी कैसे सफल होता है अपनी योजना में। कुछ समझे गधे? हरिओम। मेरी योजना सरकार की योजना से कैसे अलग थी? सीधे हाथ से पकड़ो या घुमा कर? पकड़ा तो कान ही ना, दबाव मैं भी डालने को कह रहा हूँ और सरकार भी, फिर भी सरकार ने मुझे गधा कहा। हरिओम। इतनी सारी दरिया, आज कुछ है क्या? मैं कुछ मदद करूं? आज पूर्णिमा है, मैं सोच रहा था कि आज रात गांव वाले या इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करेंगे, उसी के लिए दरी बिछानी। आज रात? हाँ, आप भी शामिल होंगे ना? लेकिन यहाँ भजन कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी गुरुचरित्र का पाठ शुरू किया है और मुझे पाठ करने के लिए शांति चाहिए। आज यहाँ कोई भजन कीर्तन नहीं होगा। लेकिन रामदासी जी, मैं गांव वालों को बोल चुका हूँ और सभी लोग आने के लिए तैयार हैं। मैं वो सब नहीं जानता। जब साई बाबा ने हमें यहाँ ठहरने के लिए कहा था तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि मुझे यहाँ पोथियों का पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे पता होता कि साई बाबा झूठ बोल रहे हैं तो मैं यहाँ रुकता ही नहीं। आपकी आपत्ति बिल्कुल जायज है रामदासी जी। लेकिन साई है राध्या, रामदासी बुआ कह रहे हैं कि इन्हें ईश्वर का ध्यान करने के लिए एकांत की आवश्यकता है, इसलिए हमारा एक कर्तव्य है कि इन्हें ईश्वर के करीब लाने में इनकी मदद करें। इन्हें पोथियों को पढ़ने देना चाहिए। हम सब तो मन में भी ईश्वर का नाम ले सकते हैं, खुद को मालिक के करीब महसूस कर सकते हैं। भजन कीर्तन की क्या आवश्यकता है? ठीक है साईं, जैसा आप उचित समझे, मैं गांव वालों तक सूचना पहुंचा दूंगा। मन में साई के क्या है कौन जान पाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम
ये बुआ की इन बेतुकी मांगों को साई क्यों मान रहे हैं? ये तो मैं नहीं जानता, पर साई मान रहे हैं तो जरूर कोई तो कारण होगा। आई जल्दी से खाना बनाओ ना, बहुत भूख लगी है। घर में हो क्या? अरे ललिता बहनी आप? नमस्ते। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अब भाई तुम लोग तो हमें अपना समझते नहीं, लेकिन हम तो इस परिवार को अपना परिवार ही समझते हैं। भोला के लिए कुछ लाई हूँ, परसों पूरन पोली बनाई थी। अब घर में तो सारे खा खा कर थक गए, इतनी अच्छी पूरन पोली फेंक तो नहीं सकती, तो सोचा तुम्हें दे दूं। भोला को बहुत पसंद है ना? काशीनाथ भाऊ तो अपने सारे पैसे शर अपने शौक पूरे करने में खर्च कर देते हैं ना, तो तुम लोग को पूरन पोली कहां नसीब होती होगी? अरे देख क्या रहा है बेटा, तेरे लिए तो है। हे भगवान, कैसी दुविधा है मेरी, पति के मन की रक्षा करूं या मेरे बच्चे का पेट भरूं? ले ले। काशीनाथ भाव कैसे है? ये और मामा जी कह रहे थे कि काशीनाथ भाव अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहे, अपनों का लिहाज भी नहीं करते। जिस भाई के इतने एहसान हैं, उन पर उनके हाथ कैसे उठ गए? हमें देखो, काशीनाथ भाव हमारे साथ मारपीट करते हैं, बेइज्जती करते हैं हमारी, यहां तक कि खंड नवमी की पूजा से हमें बेदखल करने की कोशिश भी की उन्होंने। उसके बाद भी मैं यहां तुम लोगों का हालचाल पूछने आई, और शिवा के बाबा ने भी मुझे यहां आने से नहीं रोका, क्योंकि आखिरकार है तो एक ही परिवार। और काशीनाथ भाव तो पता नहीं काफी सब समझेंगे। अमन जी तो कह रहे थे कि अगर काशीनाथ भाव में जरा भी शर्म होती ना, तो डूब मरते किसी कुएं में कूद कर। बहनी, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये बता रही थी कि मामन जी ने क्या कहा। अच्छी लगी? हाँ, जा अब बाहर जाके खेल, बाहर शिवा भी है अपनी साइकिल के साथ। असल में शिवा के बाबा नगर गए थे ना, तो उसके लिए नई साइकिल लेकर आए हैं, ये बाहर चला रहा है। जा तू भी जाके देख। काश तुझे भी ऐसा पति मिलता जो अपने परिवार का ख्याल रखता। शिवा के बाबा भी नगर गए थे ना, तो घर में हम सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आए। मामन जी के लिए नया कुर्ता, शिवा के लिए साइकिल, और मेरे लिए ये सोने के कंगन। सुंदर है ना? शिवा के बाबा कह रहे थे जब अगली बार नगर जाएंगे
तो इन कंगन से मिलता जुलता हार भी लेकर आएंगे। सब किस्मत की बात है रेनू। देखना, हम दोनों की एक ही घर में शादी हुई, लेकिन तू कितने कष्ट में है। इसके दुख से द्रवित होकर साई की आंखें आंसू बहा रही हैं। देखा बोला, है ना सुंदर साइकिल, तुम्हें चलाने आती है? हाँ, इसे चला कर ही तो मैं यहाँ लाया हूँ। मुझे भी सिखाओगे? ठीक है, सिखा दूंगा, पर तुम सिक्के करोगे क्या? तुम्हारे पास तो साइकिल नहीं है, ना ही तुम्हारे बाबा खरीद पाएंगे, क्योंकि तुम गरीब हो। गरीब? हाँ, मेरे बाबा कहते हैं कि तेरे बाबा कुछ ही नहीं करते, दिन भर बुरी आदतों में समय बर्बाद कर देते हैं। तू तो सिर्फ गिली डंडा ही खेल। मुझे नहीं चलानी तुम्हारी सारी साइकिल। वैसे भी प्रहलाद के पास इससे भी अच्छी साइकिल है, और वो मुझे सिखाता भी है। तुम ही रखो अपनी घटिया साइकिल और जाओ यहाँ से। आई आई, जल्दी आओ। और शिवा, और क्या हुआ बेटा, लगी तूने? आई इसने मुझे मारा। नहीं, मैं इसे गिराना नहीं चाहता था। चुप कर। एक तो इसे गिरा दिया, ऊपर से झूठ बोल रहा है। देख रही है रेनू, लक्षण दिख रहे हैं। शराबी का बेटा मारपीट ही तो करेगा। वहीनी, चल बेटा, हम तो यहाँ भलाई करने आए थे, पर इन्हें बुरे की आदत है तो हम क्या करें। मेरी गलती नहीं थी, वो अनप सनप जो भी मन में आया और बोल रहा था, और बाबा को भी बुरा बुरा कह रहा था। साई, किसके दुख ने तुम्हें इतना दुखी कर दिया है? मैंने आपसे कहा था ना भाईसाहब, जितनी परीक्षा नशा करने वाले को देनी होती है, उतनी ही उसके अपनों को भी देनी पड़ती है। किसी मासूम पे दुख आते हैं तो दिल तो भर ही आता है ना, और अगर वे कष्ट अभी खत्म होने वाले ना हों तो पीड़ा और ज्यादा होती है। नियति का लिखा सबको भोगना ही पड़ता है भाईजामा। इंसान को अपने हिस्से का दुख भोगना ही पड़ता है, सुख पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। मुसीबत के वक्त सबूरी से बड़ा शस्त्र कोई नहीं। राम जी तुम्हें भी इसकी शक्ति दे रहे हैं। भोला, बाहर क्या दिख रहा है? आजा अंदर आजा, जल्दी से खाना खा ले और सो जा। नहीं आई, अभी नहीं। क्यों?
तू तो हर रोज जल्दी खाना खाकर सो जाता है ना? हाँ आई, लेकिन आज नहीं, बाबा को आने दीजिए उसके बाद। लेकिन तेरे बाबा तो? जानता हूँ आई, लेकिन आज उनसे बात के बिना मैं नहीं सोने वाला। बोला यहाँ। तुझे डर नहीं लगेगा? शायद लगेगा, पर बात करनी भी तो जरूरी है बाबा से। संता जी और पंता जी भी। मुझे देखकर तो सांप सूंघ गया होगा ना? तुझे हम गांव में ढूंढ रहे और तू यहाँ पर ऐश कर रहा है? नहीं। झूठे मक्कार, तेरे पास शराब पीने के लिए पैसा है और सरकार का कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है। उनका सारा कर्जा बहुत जल्दी चुका दूंगा मैं, बस थोड़ी मोहलत। पक गया हूँ मैं, तेरे ये शब्द सुन सुनकर पक गया हूँ कि मोहलत दे दो, मोहलत। सुन, हम तो तेरे परिवार को देखकर धैर्य बनाए हुए हैं कि अगर तूने कर्जा नहीं चुकाया तो हम तेरे बाप से वसूल करेंगे। पर अब तो तेरे बाप ने भी तुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। जिस व्यक्ति के बाप ने उससे रिश्ता तोड़ दिया हो, उस पर विश्वास ना करता हो, तू क्या सोचता है कि कोलकाता सरकार उस पर विश्वास करेंगे? एक हफ्ते का समय है तेरे पास, सरकार की पाई पाई ब्याज समेत लौटा दे। सारे पैसे एक हफ्ते में मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? ये तो कर्जा लेने से पहले सोचना था ना। कान खोलकर सुन, ठीक आज से 8वें दिन तक अगर तूने पैसे नहीं दिए तो हम तेरे घर की एक एक ईंट नीलाम कर देंगे। और यही नहीं, तेरे बच्चे और तेरी पत्नी को हम बंधुआ मजदूर बना लेंगे। याद रखना। तेरे बच्चे और तेरी पत्नी को हम बंधुआ मजदूर बना लेंगे। ठीक आज से 8वें दिन तक अगर तूने पैसे नहीं दिए तो हम तेरे घर की एक एक ईंट नीलाम कर देंगे। पंता जी, हमारा तीर तो बिल्कुल निशाने पर लगा है। हाँ संता जी, संता जी, हमने इसके मन में इतना डर बैठा दिया है कि ये आप पैसा चुकाने के लिए परेशान हो जाएगा।
सही कह रहे हो पंता जी, कर्जे से ध्यान हटाने के लिए खूब शराब पिएगा, दिन रात नशे में चूर रहेगा। और सरकार को उस फकीर साईं को नीचा दिखाने में सफलता मिल जाएगी। पंता जी, देखो। हाँ हाँ, आपकी टोपी। चलिए 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 चलिए। मुझे एक बात बताइए, दुनिया में सबसे धोखेबाज कौन होता है? धोखेबाज वो शासक जो अपनी प्रजा का ध्यान ना रखता हो। साई, वो जो अपने परिवार के साथ विश्वासघात करे, वो सबसे बड़ा धोखेबाज। आपका क्या विचार है बुआ जी? अभी देख के बताता हूं। इन पोथियों में उत्तर जरूर लिखा होगा। इसका जवाब पोथियों में नहीं मिलेगा बुआ जी। संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर इन पोथियों में ना हो। कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए जिंदगी को पढ़ना पड़ता है। इंसानों को परखना पड़ता है, ना कि वेद पुराणों को। आपने जिंदगी को बहुत पढ़ा है, तो फिर आप ही बताइए क्या उत्तर है। सबसे बड़ा धोखेबाज होता है नशा। नशा ये चढ़ता तो है सुख का रूप धर के, पर कभी किसी को सुखी नहीं करता, केवल दुखों पर पर्दा डाल देता है। और ऐसा करके हमें यथार्थ से दूर ले जाता है। अगर हम अंधेरे में चलें और हमें रास्ते का पत्थर ना दिखे, तो इसका ये मतलब नहीं कि पत्थर नहीं है। जब भी पत्थर से ठोकर लगेगी तो हम गिरेंगे, चोट लगेगी, नुकसान भी होगा हमारा। ऐसे अंधेरे का क्या फायदा? फिर भी जख्म को ठीक करने के लिए इंसान दवा का नहीं, नशे का सहारा लेता है। आप सही कह रहे हैं साईं, लेकिन यह अचानक नशे की लत की बात क्यों? हम में से तो कोई भी नशा नहीं करता, सब घर गृहस्थी वाले हैं साईं। नशे की लत का घर गृहस्थी से क्या संबंध? ये तो एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। इसीलिए सावधान रहने में ही बुद्धिमानी है।
सो जा, बहुत रात हो चुकी है। नहीं आई। कहना नहीं गया, कहना। बाबू मुझे साइकिल चाहिए। साइकिल? जैसा शिवा के पास है, वो मुझे चढ़ा रहा था। खरीद देंगे ना आप? बोला तू जा सो जा, रात बहुत हो चुकी है ना। नहीं आई। बाबा जब तक खा नहीं करते तब तक मैं नहीं सोऊंगा। बेटा तेरा बाप तुझे साइकिल नहीं दिला सकता। क्यों नहीं दिला सकते? मैंने कहा ना नहीं दिला सकता। लेकिन मुझे साइकिल चाहिए। जिद मत कर, नहीं दिला सकता तो नहीं दिला सकता। लेकिन क्यों? मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। चुहा के बाप की तरह नहीं हूँ मैं। तुझे पता भी है साइकिल कितनी महंगी आती है? आपकी रोज के शराब से भी महंगी। उस धुनी में क्या देखते रहते हैं? खबरदार, जो मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो। कल तक तो आप गांव वालों से लड़ते थे, मुझसे लड़ते थे, लेकिन आज अपने बेटे पर हाथ उठाने लगे। ये मैं कभी नहीं होने दे सकती। क्या गलती है इसकी? ऐसा क्या मांग लिया इसने? आज पहली बार इसने आपसे कुछ चीज मांगी और आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं इसके साथ? जब भी बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते तो क्यों की है शादी? क्यों पाल रखी है ये गृहस्थी? मैं मानती हूँ हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप ये बात उसे प्यार से भी तो समझा सकते थे ना? पर नहीं, आप ऐसा क्यों करेंगे? आपको तो बस आपकी नशे की लत से, आपकी शराब से ज्यादा प्यार है। उसके आगे आपको कुछ सूझता ही नहीं। नेना, देखो।
रेनू, मैं भी। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, आज तक मैं आपका हर जुल्म बर्दाश्त करती रही, आपकी हर ज्यादती सहन करती रही, आपके लिए लोगों के ताने भी सुने, लेकिन कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा मैंने, कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी, लेकिन आज आज मेरे निरपराध बेटे पर हाथ उठाकर आपने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया। आपके इस अपराध के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। नहीं सह सकती। बाबा, ये आप क्या देखते रहते हैं इस धुनी में? आपको क्या दिखाई देता है इसमें? आग। मुझे इस आग में वो दिखाई दे रही है जो किसी दूसरी ज्वाला से जल रही है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। सो जाइए आप, बहुत रात हो चुकी है। लच्छेदार बातें बनाने के सिवा इन्हें और कुछ नहीं आता। क्यों तंग कर रही हो रामदासी जी को? तुम देख नहीं रही? तुम्हारी उपस्थिति से रामदासी जी को भगवान को याद करने में असुविधा हो रही है।
आज का दिन कितना सुहाना है। वहां जाओ जहां फूल है, जाओ। अब समझ में आ रहा है, असल में ये थोड़े से पागल है। कभी घंटों धुनी को देखते हैं तो कभी तितलियों से बातें करते हैं। साई, साई, क्या हुआ साई? साई आपकी तबीयत तो ठीक है साई? पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा। साई बैठिए बाबा। जल्दी से अजवाइन का पानी लाओ, उससे आराम मिलेगा। नहीं बाला साहब जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तातिया, थोड़ी सी उदी पानी में घोल के लेके आओ। जी काका। नहीं श्यामा, उदी से कुछ नहीं होगा। लगता है मुझे सोनमुखी का सेवन करना पड़ेगा। सोनमुखी? ये क्या है साई? एक पेड़ है तात्या, जिसके पत्तों से दवा बनती है। लेकिन मैंने तो कभी सुना नहीं इसके बारे में साई। शायद ही कोई हो जो इसके विषय में जानता हो। केवल कोई विद्वान ही इसकी पहचान करके ला सकता है। रामदासी बुआ, द्वारका माई में अभी एक आप ही सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े विद्वान हैं। आप तो जानते ही होंगे सोनमुखी के बारे में। हाँ जानता हूं। तो क्या आप जाकर मेरे लिए सोनमुखी की कुछ पत्तियां तोड़ के ला सकते हैं? जरूर लाता बाबा, लेकिन पोथी अधूरी छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? ये आप क्या कह रहे रामदासी जी? किसी की मदद करना तो परम पुण्य का काम है, पर यह तो ग्रंथों में भी लिखा है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी जाकर सोनमुखी लेकर आता हूं। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई Thank you.
साई, आपका पेट दर्द? बाबा, मतलब पेट दर्द था ही नहीं? जरूर इसके पीछे भी साई की ही कोई लीला होगी। पुस्तक विष्णु सहस्त्र नाम, इसमें विष्णु जी के हजार नाम हैं। साई, आप रामदासी जी की पुस्तकों को क्यों छू रहे? वो बेकार में फिर से नाराज हो जाएंगे। कोई उनकी किताबें लेकर कहीं भागा नहीं जा रहा है श्यामा, तुम्हें दे रहा हूं इसे यहां पढ़ने के लिए। लो पढ़ो इसे। पोथियों में मेरे प्राण बसते हैं, इन्हें सिर्फ मैं छू सकता हूं। नहीं साई, मैं ये नहीं ले सकता। पिछली बार मैंने उत्सुकता की वजह से एक पुस्तक उठा ली थी और वो भड़क गए। ये मैं नहीं लूंगा साई। मैं दे रहा हूं ना, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये पुस्तक पढ़नी चाहिए तो मैं बाजार से खरीद के पढ़ लूंगा, लेकिन रामदासी जी की ये पुस्तक मैं नहीं ले सकता। अगर उन्होंने देख लिया तो द्वारका माई सिर पे उठा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा श्यामा, मुझ पर भरोसा है ना? हाँ सही। फिर लो और इसे यहीं बैठ के अभी पढ़ो। जैसा आप कहें साई। अचानक कहाँ जा रहे हैं साई? वक्त हो गया है, आप तीनों यही रुकिए, मुझे पायजामा से कुछ जरूरी काम है। आप सब कह रहे हैं तो मैं भी ये मान लेता हूं कि ये साई बाबा की लीला है, लेकिन अगर साई बाबा के लौटने से पहले रामदासी जी लौट आए तो वो ज्वालामुखी की तरफ हट पड़ेंगे। एक तो उन्हें यहां से सोनमुखी लाने के लिए साई बाबा ने भेज दिया जबकि वो बिल्कुल ठीक है, दूसरे उनकी पोथी आप पढ़ने वाले, राम जाने क्या होगा। अब जो होगा देखा जाएगा बाला साहेब जी, साई ने कहा है
तो इस पुस्तक को पढ़ना मेरा परम धर्म है। दुनिया की कोई ताकत मुझे इस पुस्तक को पढ़ने से नहीं रोक सकती। रामदासी जी का खौफ भी नहीं। वैसे भी साई के कहने पे किए जाने वाले काम से किसी को भी मुश्किल नहीं आती। ये क्या है? कमर क्यों बांध रही हो? रेणु, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, सामान क्यों बांध रही हो? चल बोला। रेणु, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, कहां जा रही हो तुम? रेणु, रास्ता छोड़िए हमारे। नहीं, मुझे पहले बताओ तुम कहाँ जा रही हो, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। बोला तू बाहर इंतजार कर, मैं अभी आई। नहीं, कहाँ जा रहे हो? मैं आपका ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या, ये क्या कह रही हो तू? देर से कह रही हूं, बहुत पहले ही लेना चाहिए था मुझे ये फैसला। मानता हूं दोषी हूं मैं तुम्हारा, लेकिन एक आखिरी बार मुझे माफी। आज तक यही तो करती आ रही थी, मगर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। गलती मेरी ही थी जो ये सोचती थी कि आप सुधर जाएंगे। इस उम्मीद में मैं सब कुछ सहती रही, मगर बीती रात अपने भोला को भी नहीं बख्शा। एक पत्नी अत्याचार सह सकती है, मगर एक माँ अपने बच्चे पर कभी आंच नहीं आने दे सकती। मैं तो उसी पल आपका घर छोड़कर चली जाती, लेकिन एक अकेली औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर ऐसी तूफानी रात में कहां जाती? मैं रुक तो गई, लेकिन उसी वक्त मैंने फैसला किया था कि आपके घर में ये मेरी आखिरी रात होगी। सुबह होते ही मैं आपका ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब सब खत्म हो गया। मुझे माफ कर दो, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपने बेटे को मारना चाहता था? होश में नहीं था मैं। कब रहते हैं आप होश में? तुम नहीं जानती कल मेरे साथ क्या हुआ। संता जी, हर रोज आपके पास कोई ना कोई वजह होती है। अगर मैं अब आपका कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। रेणु, मेरा विश्वास करो, मैं वादा करता हूँ ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। दिन ढलते ही आपका वादा भी ढल जाता है। इस बार सच कह रहा हूँ, मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। बस मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे और बोला के बिना मर जाऊंगा रेणु। और आपके साथ रहकर हम दोनों तिल तिल मरते हैं, उसका क्या? क्या? सुबह घर से वादा करके निकलते हैं और शाम को घर आते हैं तो वादा तोड़ के। अब मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा, अब मुझे ये सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि आप कभी नहीं सुधर सकते। मुझे स्वीकार करना होगा,
आपको मुझसे और भोला से कहीं अधिक प्यार आपको आपकी नशे की लत से, अपनी शराब से। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी, मगर मैं भोला का बचपन बर्बाद नहीं होने दूंगी, इसीलिए मैं उसे यहां से दूर ले जा रही हूं। रेनु, चल बोला। रेनु, भोला को लेकर कहां जाओगी? तुम्हें क्या इतना आसान लग रहा है बाहर की दुनिया, जो तुम्हारे और भोला के लिए सुरक्षित है? पति का घर छोड़कर जाने वाली औरत का जीवन नरक समान होता है, पता है मुझे। पर यहां कौन सा हम स्वर्ग में जी रहे हैं? भोला, तू बच जा, मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा। अपनी आई को बोलना रुकने के लिए। आई, मुझे कोई साइकिल अकेले नहीं चाहिए, बस मुझे अपने साथ रखना। आई, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरी पत्नी हो तू, मेरे मर्जी के बिना नहीं जा सकती। मेरे भोला को तुम मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। कहीं नहीं जाएगा तू। आई, अब छोड़िए इसे। नहीं जाने दो। नहीं, नहीं, अब छोड़िए इसे। मुझे बस आई चाहिए। आप जाने दीजिए इसे, वरना आप मेरा मारा मुंह देखेंगे। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मेरे साथ रहने से तुम्हें मौत भरी लग रही है? आपसे नहीं, आपकी नशे की लत से। पर अफसोस तो ये है कि आपने अपनी लत को आप पर हावी होने दिया है, और अब दोनों को अलग कर पाना नामुमकिन है। जानते हो मैंने शराब छोड़ने की बहुत कोशिश की, मुझे खुद अपनी इस लत से घिन आती है। रोज सोचता हूं आज नहीं पीऊंगा, और दिन भर अपने आप से लड़ाई लड़ते रहता हूं, मगर शाम होती ही पता नहीं कैसे कमजोर होकर आत्मसमर्पण कर देता हूं। नशे की इस लड़ाई में अकेला पाता हूं मैं अपने आप को। अगर अकेले लड़ नहीं सकते तो मदद क्यों नहीं लेते? नशे की इस लड़ाई में अकेला पाता हूं मैं अपने आप को। अगर अकेले लड़ नहीं सकते तो मदद क्यों नहीं लेते?
ऐसी लत का क्या फायदा जो तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर कर दे। साई, ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं था। मैं भी इस नशे को छोड़ना चाहता था, एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहता था, पर मुझसे नहीं हो पाया साई। और अब बहुत देर हो चुकी है साई। मैंने अपना परिवार भी खो दिया है। एक नई शुरुआत के लिए देर कभी नहीं होती काशीनाथ। पर सही, मेरे पास सिर्फ एक वजह थी जिसके लिए मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता था। मेरी पत्नी और बेटे के खातिर। पर वो तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। अगर मुझे मेरी जिंदगी अकेले बितानी है तो मैं सुधर के क्या करूंगा? और अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारे घर को छोड़कर ना जाए तो? साई, क्या ये संभव है? नहीं साई, अब मैं और नहीं रह सकती। रेनू, तुम्हारी आपत्ति यही थी ना कि तुम अपने शराबी पति के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। जब तक काशीनाथ की यह आदत छूट नहीं जाती, ये मेरे साथ द्वारका माई में रहेगा। जहां मैं इसको इस आदत से निजात दिलाने में मदद करूंगा, तब तक तुम और भोला यहां रह सकते हो। इससे तुम्हारे सर पे छत भी बनी रहेगी और काशीनाथ का इलाज भी चलता रहेगा। जब काशीनाथ ये लत छोड़ देगा तो ये अपने घर वापस आ सकता है। साई, क्या सच में आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, बिल्कुल। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बस मुझे इस नशे की बीमारी से मुक्ति दिला दीजिए। तो फिर मेरे साथ द्वारका माई चलो। नहीं साई, ये नहीं सुधरेंगे। रेणु, मेरा विश्वास करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। काशीनाथ, तुम यहीं रुको, मैं रेणु से बात करता हूं। साई अब तक नहीं आए, कहीं रामदासी जी ना आ जाए। अगर वो आ गए तो क्या कहूंगा, कैसे समझाऊंगा उन्हें? साई बाबा, अब आप ठीक हो जाएंगे। देखिए सोनमुखी ले। साई बाबा कहाँ गए? उन्हें मेरी आई से कुछ काम था, इसलिए वो चले गए। चले गए? लेकिन उनके पेट में तो दर्द था, और मैं अपना पाठ अधूरा छोड़कर इतनी दूर जाकर उनके लिए सोनमुखी लेकर आया हूं, और वो
ये क्या कर रहे हो तुम? वो साइन है। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि मेरे पोते को? अरे ठीक हो तुम? पिछली बार ही तुम्हें झिड़का था, कहा था ना कि मेरे पोतियों को न छुए, इन्हें छूकर अपवित्र न करे। एक बार में कहा, समझ में नहीं आता है तुम्हें? रेनू, मैंने जो कहा था उसे याद रखना। मुझे सब याद है साईं, इसीलिए तो इनके नशे की बुरी आदत को गंभीर बीमारी समझकर उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन मदद तब भी पूरी होती है जब वो मदद लेना चाहे, लेकिन वो हमेशा झूठ बोलकर कोई ना कोई बहाना बनाकर भाग जाते हैं पीने के लिए। नहीं सर, कुछ नहीं हो सकता इनका, मैं कोशिश करके हार गई। इसीलिए कह रहा हूं, काशीनाथ को अपने साथ द्वारका माई में रखकर मुझे उसकी मदद करने की एक बार कोशिश करने दो। तुम केवल श्रद्धा और सबूरी रखो, तुम काशीनाथ पे भरोसा नहीं रख सकते, पर मुझ पर तो रखो। मैं अपनी समस्या आपको देखकर और परेशान नहीं करना चाहती साईं, मेरी नजर में ये ठीक नहीं है। अगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं भी आपके साथ द्वारका माई चलूंगी, आपका हाथ बटाऊंगी ताकि उनकी देखभाल आपको अकेले ना करनी पड़े। फिर भोला की देखभाल कौन करेगा? रेनू, तुम यहीं रहो भोला के साथ, तुमसे दूर रहकर काशीनाथ को भी एहसास होगा कि शराब के लिए जीकर वो क्या खो रहा है। हाँ बेटी, ये लड़ाई काशीनाथ की है, उसे अकेले ही लड़नी होगी, और अगर इस युद्ध में उसका सारथी साईं है तो फिर उसकी जीत निश्चित है। और तुम किसी बात की चिंता मत करना, तुम्हारे साथ तुम्हारी ये आई है, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल मैं रखूंगी। आपके पहले से बहुत एहसान है मुझ पर भाईजा काकी। आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। माँ भी कभी एहसान करती है बच्चों पर, और बच्चे भी कभी बोझ होते हैं माँ पर। मुझे बहुत खराब लग रहा है कि आप दोनों ही सब करेंगे इन्हें ठीक करने के लिए। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। कर पाओगी रेनू, त्याग तपस्या, जब तक काशीनाथ का इलाज चल रहा है तुम काशी और उसके घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें यह तपस्या करनी होगी, अपनी शंकाओं, अपनी चिंताओं, अपनी बेचैनी का त्याग करना होगा तुम्हें।
शांत मन से केवल ये सोचना होगा कि सब अच्छा होगा। मैं आपको वचन देती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन अगर इनकी शराब की लत नहीं छूटी तो मैं और भोला इनसे दूर चले जाएंगे। मैं सौगन खाती हूं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उस दिन के बाद ये मेरा चेहरा कभी नहीं देख सकेंगे। मैंने सब सुना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका प्रयास रेनू भोला का त्याग बेकार न जाए। बस आपका हाथ मेरे सर से मत हटाइएगा। मुझे आज एहसास हुआ है कि मेरे अपने इस लत से मेरे परिवार को कितनी पीड़ा होती है। मेरा अपना बेटा मेरे साथ रहना नहीं चाहता और मैं अपनी परिस्थिति को बदलना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद से। तो फिर मेरे साथ द्वारका में ही चलो, वहां जी जान से कोशिश करो, बाकी अल्लाह मालिक। जी, लगता है ये फकीर इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानेगा। हमें तुरंत सरकार को सूचित करना पड़ेगा। चलो चलो। संस्कार नाम की कोई चीज है ही नहीं शेरी के लोगों में। जो मना करो वही करेंगे सब। सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। कांदासी जी, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। इतनी मामूली सी बात के लिए? मामूली सी बात है? मामूली सी बात? अरे पोथी पढ़ना कोई खेल नहीं है। ये कोई बच्चों की पुस्तक नहीं है कि उठाया और पढ़ लिया। कितनी श्रद्धा, कितना समर्पण, कितनी साधना की आवश्यकता होती है इसके पठन के लिए। क्या है तुम्हें? हाँ तो लोग ऐसे शोर मचाते हैं जैसे कि सब्जी मंडी हो। और ये माधव, इसकी तो पहले दिन से मेरी पोथियों पर नजर है और आज तो ये चोरी पर उतर आया। ये आप क्या कह रहे हैं रामदासी जी? मैं चोरी नहीं कर रहा था। अरे चोर पकड़े जाने पर यही कहता है। रामदासी बुआ, पहले पूरी बात तो सुन लो उनकी। आप तो कुछ मत ही बोलिए तो अच्छा है। बड़ी बड़ी बातें बनाकर मुझे यहाँ ले आए, लेकिन यहाँ तो ऊंची दुकान फीका पकवान वाला मामला है। साई से मिलकर मुझे कोई शिक्षा कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है।
उल्टा मेरी साधना में एक के बाद एक अड़चने पैदा हुई है और अब तो मेरी पोथियों की चोरी भी शुरू हो गई है। आप अपनी मर्यादा लांघ रहे रामदासी जी। मर्यादा? मर्यादा का स्मरण तो इससे दिलाना चाहिए था जब ये मेरी पोथियां चोरी कर रहा था। देखिए आप ये गलत कर रहे हैं रामदासी जी। ए, मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है सही क्या है और गलत क्या है और इस चोर को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, इसको तो मैं दंड देकर ही रहूंगा। बस बहुत हुआ, आपका लिहाज करके कुछ बोल नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाएंगे। शुक्र मानिए कि हमारे रहबर मार्गदर्शक साई है, उन्होंने हमें शांत रहना सिखाया है। साई ने हम सबको केवल देना सिखाया है, लेना नहीं सिखाया। और आप कह रहे हैं कि मैं चोरी कर रहा था। खैर, इसमें आपका दोष नहीं है क्योंकि जो साई के सत्य को नहीं जान सका वो किसी और के सत्य को क्या जानेगा। और रही बात पोथियों की, वो ऐसी 100 पोथियां खरीद सकता हूं मैं रामदासी जी, लेकिन हमें पोथियां पढ़कर ज्ञान पाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे साई इन सभी पोथियों का सार है। जी, जिस ईश्वर को आप इतनी पोथियां पढ़कर भी नहीं देख पाए उस ईश्वर को मैं हर रोज साई में देखता हूं। जब तुम्हें पोथियों की आवश्यकता नहीं थी तो फिर ली क्यों? क्योंकि साई ने मुझे दी थी यहां पढ़ने के लिए, उनके आदेश पर ही पोथी पढ़ रहा था मैं और उसे पढ़कर वापस वहीं रख भी देता। अद्भुत, क्या भक्त पाल रखे हैं साई ने। अपना गुनाह छुपाने के लिए तुम साई का इस्तेमाल कर रहे हो। श्यामा सच बोल रहा है। तात्या, काशीनाथ आज से यही रहेगा, इसके रहने का इंतजाम कर दो। जी साई। श्यामा को वो किताब पढ़ने के लिए मैंने ही दी थी बुआ जी। लेकिन क्यों साई बाबा, मैंने मना किया था ना, मेरी पोथियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, फिर क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था कि ये वेद पुराण धर्म ग्रंथ ये ईश्वर का ज्ञान है और ईश्वर की तरह इन पर भी किसी की मिल्कियत नहीं है। चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधान। जिसे ना चोर चुरा सकते हैं, ना राजा हरण कर सकते हैं, ना भाई बांट सकते हैं, जो बोझिल नहीं करता है, जो नित्य खर्च करने पर भी बढ़ता है, ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। इसे अपने पास छुपा के रख के आप अपने ज्ञान को बढ़ने से रोक रहे हैं और फिर कहां लिखा है या किस ईश्वर ने कहा है
कि ज्ञान को गुप्त रखना चाहिए? छोटा मुंह बड़ी बात, पोथियां क्या होती है, उनका महत्व क्या है, यह आप कैसे समझ पाएंगे? इतने दिन से यहां रह रहा हूं, पहली बार आपके मुख से कोई श्लोक सुन रहा हूं। शायद ये एकलौता श्लोक हो जो आपको पता हो, क्योंकि आप कभी कोई पोथी तो पढ़ते नहीं है और यहाँ कोई शास्त्र वेद ग्रंथ भी रखे नहीं है, तो आपको इसकी अहमियत कैसे पता होगी? रामदासी जी, ज्ञान तो आपको नहीं है, इतनी पोथियां पढ़कर भी आपको ये समझ नहीं है कि लोगों से व्यवहार कैसे किया जाता है और अपनों से बड़े से कैसे बात करते हैं। और मैं भी देख रहा हूं, जब से आप यहां पर आए मैंने आपको पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन आपने सिवाय मीन मेक निकालने के और कुछ किया ही नहीं है। ए! मुझे भी कोई शौक नहीं है यहां रहने का, वो तो साई बाबा ने कहा इसलिए मैं यहां हूं। सच ही कहा है किसी ने, इंसान को हमेशा ज्ञानियों की संगत में, जानकारों की संगत में रहना चाहिए। अज्ञानियों की संगत इंसान को नीचे गिरा देती है, पतन का कारण बन जाती है। अगर मुझे पता होता कि साई बाबा इतने अज्ञानी है तो मैं यहां रुकता ही नहीं। रामदासी जी, हम सब कुछ सह सकते हैं, साई का अपमान नहीं। तुम्हारे लिए महान होंगे, भगवान रूप होंगे साई, लेकिन मेरे लिए ये एक साधारण इंसान है। भगवान के बहुत सारे रूप देखे, कभी कृष्ण बनकर आए, कभी राम बनकर आए, उनका ज्ञान देखो और इनका देखो। और तुम अज्ञानी लोग, तुमने ही एक अज्ञानी को सर पे बिठा के रखा है। चलो अच्छा है, अधिक उलझन में न मैं पढ़ना चाहता हूं न तुम लोगों को उलझाना चाहता हूं। एक श्लोक इन्होंने सुना दिया अपनी इच्छा के लिए, अब क्या मेरी इच्छा के लिए क्या ये गायत्री मंत्र सुना सकते हैं? साई बाबा, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे गायत्री मंत्र बोल के सुना दीजिए। रामदासी जी, श्यामा, बुआ जी, जब आपने मेरे बारे में तय कर ही लिया है तो मंत्र बोलने से क्या सिद्ध होगा? मैं तो बस ये जानता हूं कि इंसान की कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। अपने अनुभवों से कह रहा हूं, दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो मंत्र तो याद कर लेते हैं लेकिन उनका सार नहीं समझते, मंत्रों में निहित ज्ञान नहीं समझते, मंत्रों की सीख को अपने जीवन में नहीं उतारते। पोथियों को, धर्म ग्रंथों को सिर्फ पढ़ना, उन्हें समझे बिना कंठस्थ करना मानो ऐसा है जैसे बिना बीज बोए फसल पाने की लालसा करना। आपसे मुझे ऐसे ही उत्तर की अपेक्षा थी। क्योंकि आपने कभी कोई ग्रंथ पढ़े ही नहीं है तो याद कैसे होगा, फिर चाहे वो सबकी जुबान पर रहने वाला गायत्री मंत्र ही क्यों ना हो। आपको तो सिर्फ लच्छेदार बातें करना आता है। ऐसे मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा साई बाबा।
मैं आपकी असलियत पहचान चुका हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिरडी वासियों की रोजमर्रा की जिंदगी में आपने उनकी मदद की है और यही वजह है कि वो आपको अपना मसीहा समझने लगे हैं। आप अच्छे इंसान है लेकिन आप में कोई सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो क्या, ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो आपका ज्ञान एक साधारण किसान से अधिक नहीं है, है कि नहीं है? अगर मैं गलत हूं तो आप साबित कर दीजिए। काशीनाथ, मुझे थोड़ा पानी देना। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
पोथियों में ईश्वर को ढूंढता रहा, लेकिन जो ईश्वर साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, उन्हें अनदेखा करता रहा। अज्ञान के अंधकार में तो मैं हूं, मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा, मुझे नादान समझकर माफ कर दीजिए। ज्ञान के अहंकार में मैं आपका सत्य न देख सका। आपने सच कहा, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो वेद ग्रंथों को पढ़कर खुद को ज्ञानी समझने लगते हैं। मैं भी उनमें से ही एक था, लेकिन क्या लाभ ऐसी विद्या का, ऐसे ज्ञान का, जिसे पढ़ने के उपरांत भी इंसान अपने समक्ष खड़े ईश्वर को पहचान न पाए। मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं तो ईश्वर का बंदा हूं। जैसे आप सब ईश्वर की संतान हैं। ये आपका बड़प्पन है साईं बाबा, आपकी विनम्रता है जो आप ऐसा कह रहे। अब मुझे अज्ञान से, इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, मुझे भी ज्ञान दे दीजिए बाबा, ताकि मैं जीवन में अब से गलतियां ना करूं। गलती तो सबसे होती है बुआ जी, और जो अपनी गलती सुधार ले वही इंसान है। आपकी गलती ये थी कि पूरी जिंदगी रामायण गीता पढ़ने के बाद भी आपकी प्रवृत्ति वैसी की वैसी रही, चंचल। रामदासी तो वो होते हैं जो राम के दास हों, जो हर मोह हर लोभ से मुंह मोड़ चुके हों। लेकिन आपसे तो एक पोथी का भी मुंह नहीं छूटा। शास्त्र का मर्म ना समझने से ये शस्त्र बन जाते हैं, सारी विद्या व्यर्थ हो जाती है। विद्या बांटने से बढ़ती है। ज्ञान मांगने वाले का तिरस्कार करना ज्ञान का अपमान है। आपने एक पोथी के लिए बिना सच जाने एक निर्दोष को दोषी ठहरा दिया, ये कहां तक उचित है बुआ जी? पोथी तो आप दोबारा भी खरीद सकते हैं, लेकिन श्यामा जैसे इंसान रोज रोज नहीं मिलते। और इसके जैसे भले इंसान का तिरस्कार करके आप स्वयं को ईश्वर से और दूर कर रहे हैं। रामदासी जी, सिर्फ पोथी पढ़ के कुछ नहीं होता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के लोग इस संसार से चले गए, लेकिन ज्ञानी वही हुआ जिसने प्रेम के केवल ढाई अक्षर को समझा। प्रेम को जाना, ईश्वर की प्राप्ति का केवल यही तरीका है। आप भी इस मार्ग पर चलिए, आपको हर कोने में, यहां तक कि अपने हृदय में भी ईश्वर दिखाई देंगे।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया साई बाबा। राम जी भला करें। राह ये सरल है सीधे प्रभु से मिलाए, बात ये अनोखी हमको साई सिखाए। भीत यही साई चरण में दे दे चढ़ाए, कुछ नहीं मांगे साई के सिवाए। किसी भी नशे में एक बुरी बात क्या है जानते हो? ये तुम्हें या तो अतीत में ले जाता है या भविष्य में, और इसलिए तुमसे तुम्हारा वर्तमान छीन लेता है। वो वर्तमान जिसमें तुम अभी की इस क्षण की खूबसूरती की अनदेखी करते हो, उसका अनुभव ही नहीं करते। साई, मैं समझा नहीं। काशी, तुम अभी नशे के विचार में इतने उलझे हुए हो कि तुमने महसूस ही नहीं किया कि आज की यह सुबह कितनी खूबसूरत, कितनी असाधारण, कितनी खास है। ये हवा के झोंके, ये पक्षियों का संगीत, जैसे ये सब भी किसी खास इंसान के स्वागत की तैयारी में लगे हों। हर मनुष्य को अपने जीवन काल में ये चार कर्तव्य अवश्य पूरे करने चाहिए। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष यानी मुक्ति। इनमें से जो पहले तीन हैं वो पत्नी के सहयोग से पूरे किए जाने चाहिए, लेकिन चौथा मोक्ष पाने के लिए इंसान के उसके निजी सत्कर्म ही साथ देते हैं। इसमें कोई सहभागी नहीं हो सकता है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति की अंतिम यात्रा इंसान को अकेले ही तय करनी पड़ती है। तो भक्तों, ज्ञानेश्वरी का यह 12वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगला अध्याय हम लोग शाम को शुरू करेंगे। पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि, ओम साई राम। कितने अच्छे से पाठ सुनाया है इन्होंने। आखिर हैं कौन ये महापुरुष? तुम इन्हें नहीं जानते? बहुत बड़े साई के भक्त हैं बापू साहेब जोग जी। सुबह शाम यहाँ शरणार्थियों को एक नथी भागवत और ज्ञानेश्वरी का पाठ करके सुनाते हैं। बड़े भले आदमी हैं जोग जी। अच्छा, तो ये हैं बापू साहेब। बहुत अच्छा पाठ किया है आपने। सब साई का आशीर्वाद है। ओम साई। Thank you.
केशव तुम आओ मेरे साथ। चिट्ठी में लिखा है कि वो जंगल के रास्ते शिरडी पहुंचेंगे। बापू साहब आपने साथ आने के लिए तो कहा लेकिन कुछ बताया नहीं, कौन आने वाला है? ये वो व्यक्ति हैं जिनसे हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हम सबको उनसे एक रिश्ता है, मिट्टी का रिश्ता। अब तो मैं बेचैन हो रहा हूँ जानने के लिए, बताइए ना कौन है। तुमने मणिकांचन योग के बारे में सुना है और दुग्धशर्कर योग? नहीं, क्या है ये? ये वो मुहूर्त है जिसमें या तो दो मंगल घटनाएं घटती हैं और या फिर दो महान व्यक्तियों की भेंट होती है, और शिरडी में यही होने वाला है। हमारे साई बाबा से मिलने के लिए एक बहुत महान व्यक्ति पधारने वाले हैं और हम लोग इस ऐतिहासिक भेंट के साक्षी बनेंगे और आज का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। ये बहुत ही गलत बात है बापू साहब, आप पहलियों में बात कर रहे हैं और मेरी जिज्ञासा मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अब तो नाम बता दीजिए। साईं बाबा कहते हैं ना, सबूरी रखो, साक्षात दर्शन कर लेना, बस अभी आने ही वाले हैं, समय के बड़े पक्के हैं वो। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं ये किस लिए? काशी तुम अब्बा जी के साथ इनके घर जाओ, वहां जाकर इस अजवाइन को 7 लोटे पानी में 2 घंटे तक भिगो कर रखो, फिर उस पानी को धीमी आंच पर तब तक पकाओ जब तक पानी 1/3 ना हो जाए, फिर उस पानी को एक कपड़े से छानकर एक बड़े से लोटे में जमा करो और उसे यहां ले आओ, लेकिन याद रहे ये काम तुम्हें अप्पा जी और बायजा मां की निगरानी में ही करना है। जी जाओ। मन में साई के क्या है कौन जान पाए, ओम साई ओम। प्रणाम साई। राम जी भला करें। रामदासी जी और बाला साहब कहाँ हैं? वो हर शनिवार शनिदेव के मंदिर जाते हैं पाठ और हवन करने। अच्छा साई, गोविंदा ने कहा तुम्हें द्वारका माई में रंगोली बनवानी है। लक्ष्मी पहले हमें द्वारका माई को अच्छे से साफ करना है, इसे सजाना है और एक सुंदर सी रंगोली भी बनानी है। साई आज कुछ खास बात है क्या? तात्या हमें किसी का स्वागत सत्कार करना है। कौन आ रहा है साई? जरूर कोई खास व्यक्ति होंगे। माँ और मातृभूमि की सेवा को जो अपने जीवन का लक्ष्य मानकर सब कुछ समर्पित कर दे वो महान ही होगा। हमारे पास समय नहीं है, चलो काम शुरू करते हैं। जी साईं। समय तो हो गया, बस रास्ते में कोई परेशानी ना हो गई हो। लो आ गए वो। आ,
कृष्ण हरि जय जय राम 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम साई को इतना उत्साहित मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। कौन है वो महान इंसान जिनके लिए साई इतने खुश हो गए हैं? ये तो दादा साहब खापाडे जी हैं। तुम जानते हो इन्हें? हमारे देश के सबसे सफल वकीलों में से एक। लोकमान्य तिलक जी का मुकदमा भी इन्होंने ही लड़ा था। ये तो साई से मिलने पहले भी आ चुके हैं। बहुत मानते हैं साई को। पर इनके साथ कौन है जिसको इशारा करके बुला रहे थे? लोकमान्य तिलक जी, चरण तो माता पिता गुरु या ईश्वर के छुए जाते हैं। उठो, आपके दर्शन पाकर जो आपके चरणों में नतमस्तक ना हो तो बड़ा बदनसीब होगा। ये केशव है। जीते रहो। आप मुझ जैसे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भले स्वराज का नारा हो या आपके द्वारा प्रकाशित अंग्रेजों के कूटनीतियों पर लेख, आपका हर योगदान हम जैसे कई नौजवानों को आगे बढ़ने की शक्ति, दिशा और उम्मीद देता है। लाइट हाउस की तरह। ये केशव बहुत ही सच्चा देशभक्त है। ये कई साल लंदन में रहा है और वहां इसने बैरिस्ट्री की पढ़ाई भी की है। ये चाहता तो वहीं बस सकता था, लेकिन इसे अपने लोग, अपनी मिट्टी से बहुत प्यार है, इसलिए ये कहीं नहीं गया। इसलिए जब खापड़े जी का पत्र मिला कि आप शिरडी आ रहे हैं साई बाबा से मिलने, तो ये मेरे साथी था, मैं इसे भी ले आया आपसे मिलाने। लेकिन खापड़े जी, आपने पहले किसी को क्यों नहीं बताया? हम तैयारी करके रखते। वो इसलिए नहीं बताया
ताकि इनके आने से पहले अंग्रेज सरकार को इनके आने की खबर ना हो, वरना वो तुरंत इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज देते। वैसे तिलक जी लंबे समय से साईं बाबा के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, जब साईं चाहेंगे तभी उनसे भेंट संभव होगी। ऐसे ही कुछ हुआ, हम किसी काम से संगमनेर आए, शिरडी नजदीक थी, अचानक ख्याल आया तिलक जी को साईं से मिलवा दूं। यह तो आपने बहुत अच्छा किया, बाबा इनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। दादा साहब से साईं की महानता के बारे में बहुत सुना था, उनसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो देरी कैसी, आइए। साईं बाबा आपको देखकर चकित हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता कि आप उनसे मिलने आने वाले हैं। तो चलिए। जहाँ आज भी कई गांवों में जाति और धर्म के आधार पर कुएं बांटे जाते हैं, वहीं साई की शिरडी में ऐसी एकता देखकर अच्छा लगता है। सब लोग एक ही कुएं से पानी पी रहे हैं, इसी भारत का स्वप्न देखा है मैंने। साई ने इतने सालों में सबको यही सिखाया है कि हमारी एक ही जाति है इंसानियत, और एक ही धर्म है मानवता की सेवा। चलो। किसी गांव में इतनी सफाई नहीं देखी। साईं की कृपा है, उन्होंने हमेशा प्रकृति का सम्मान किया और हमें भी करने के लिए प्रेरित किया है। साईं कहते हैं कि जिस भूमि में हम जन्मे हैं उसकी देखभाल करना, उसको साफ रखना हमारा फर्ज है। रंगोली कैसी बनी है साईं? बहुत सुंदर। साई, साफ सफाई भी हो गई, फूलों की लड़ियां भी लग रही है, रंगोली भी बन गई, लेकिन मेहमान साई? शिरडी की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं श्यामा, आते ही होंगे। तुम अपने घर से अतिथियों के लिए भोजन बना के लाओ, हम उन्हें यहाँ द्वारका माई में खाना खिलाकर ही भेजेंगे। जरूर साई। बाबा बाबा बाबा। क्या हुआ बेटा? बाबा, आज की परीक्षा में मुझे पूरे अंक मिले और अध्यापक जी कह रहे थे 10वीं कक्षा के बाद मुझे नगर जाकर पढ़ना चाहिए। आई आई, अरे आई। यहाँ का हर बच्चा पाठशाला के आगे भी पढ़ता है। जी, और कईयों का तो ये सपना है कि वो आपके द्वारा पुणे में स्थापित फर्ग्यूसन कॉलेज में जाकर पढ़ाई पूरी करे। शिक्षा को लेकर जागरूकता भी साईं की देन है, उन्होंने बार बार शिक्षित होने का महत्व समझाया है। शिरडी में पाठशालाएं बिना किसी रुकावट की चलती रहे, ये भी साईं के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। काश मैं कुछ समय पहले साईं से मिल पाता। मन तो करता ही यहीं शिरडी में कुछ दिन और ठहर जाऊं, हर मोड़ पर एक नई प्रेरणा मिल रही है। अगर रुक पाते तो अच्छा होता, लेकिन अंग्रेज पुलिस आपके पीछे है,
और आपके शिरडी में होने की खबर देर सवेर पुलिस तक पहुंची जाएगी। चलो। साहब ये देखिए। कौन है? ये जानता है बाल गंगाधर तिलक कहाँ है, इसने देखा है उन्हें। किधर है वो? साहब मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो वही थे या कोई और। साहब आजकल गांव के लोग भी बाल गंगाधर तिलक को बहुत मानने लगे हैं। इसको मालूम है फिर भी बताएगा नहीं। जब तक ये नहीं बताएगा कि तिलक कहाँ है, और अगर फिर भी नहीं बताएगा तो इसकी फुल फैमिली को मारो। सब शिरडी। तो हमें शिरडी जाना होगा अभी। आइए, ये है द्वारका माई। द्वारका माई में आपका स्वागत है लोकमान्य।